यहीं पे आए हुए, अभी खाना वाना बन रहा अपना भंडारा में, आज मिला है मटन, इतना मटन है दोस्तों। यही गाड़ी है, इसी कारण अभी जाम लगा था, पूरा पलट गया था गाड़ी यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में हम सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम नागपुर आ गए हैं, ये भंडारा और नागपुर सिटी वाला रोड है। अभी निकलेंगे, जाते हैं साकुली वगैरह तरफ, नहाना धोना भी है और रात तक पहुंचना भी है रायपुर। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, अभी डीजल वगैरह भी डालना है नागपुर में हम लोग को, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही काम है आज। अभी नागपुर से तेल डला के निकले हैं हम लोग, मौदा के पास में हैं, थोड़ा नाश्ता करने रुके हैं, देखते हैं नाश्ता करके निकलेंगे फिर यहाँ से। अभी आ रहे सब, हम तो पोहा खाते हैं तो पोहा ही आ रहा मेरे लिए, शुभम का तो समोसा है आ रहा, रोहित भी अभी ब्रश कर रहा है तो वो भी ब्रश करके आएगा अभी। ठीक है दोस्तों, नाश्ता करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। ये मेरा पोहा, हम पोहा इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि हमको उधर फिर पोहा मिलता नहीं है, तो ये कि अभी थोड़ा खा लेते हैं इसको। दोस्तों नाश्ता पानी तो हो गया अपना, मौदा में किए हैं नाश्ता, अब जा रहे हैं, सफर काट रहे हैं, प्लानिंग है आज भी नहाने का, क्योंकि उधर ठंडा ज्यादा है छत्तीसगढ़ झारखंड में, इधर से नहा हुआ लेंगे तो एक दो दिन के लिए और निश्चित हो जाएंगे। कोशिश तो है कि जहाँ अपना हाईवे वाला जो बना के रखा है साकुली के पास में, वहीं पे नहाएंगे, और अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहा नंबर वाला तो कैंसिल भी हो सकता है, तो किसी होटल वोटल नहाएंगे, देखते हैं क्या होता है, देखने के ऊपर में है। दोस्तों अभी तो हम लोग साकुली पहुंच गए हैं, जहां बताए थे हाईवे वाला भी बना हुआ पार्किंग, नहाने वाने का सब कुछ बना हुआ है, यहीं पे आए हुए, अभी खाना वाना बन रहा अपना भंडारा में, आज मिला है मटन, देखिए रोड साइड में बेच रहा था, आज दिन भी अच्छा है, चलो आज तो कोई ऐसा दिन है नहीं तो ले लिए हैं, तो अपना मटन है, एक किलो लेते हैं, रेट तो 600 रुपया हर जगह है ही है, रेट ठीक है, रेट सेम है, सब काट उठ के सब रखा हुआ है, साइज छोटा ही करवाते हैं जो खाने में ठीक रहेगा, गल भी जाए, क्योंकि अपने पास कुकर है लेकिन कुकर में क्या ना कि छोटा पड़ जाएगा, तो इसीलिए इसको कुकर में नहीं बना पाते हैं, देखते हैं कुकर को चेंज करेंगे, बड़ा कुकर लेंगे, इस कुकर में अपना छोटा कुकर है तो दाल उल तक ठीक है उसमें। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्याज मेरा लाल हो चुका है, अब इसमें डालते हैं, ये अपना मटन जाएगा इसमें, ये देखिए दोस्तों पानी तो छोड़ा है तो पानी पूरा इसका पानी में मतलब सीज भी जाएगा और पानी भी सूख जाएगा, तब जाकर इसको तेल में तलेंगे। ये देखिए पानी अपने आप छोड़ता है, ये सब पानी को पूरा सूखने देंगे इसको, तब जाकर तेल में आएगा, तब हमको अच्छा लगता है, अपना अपना ऐसे बनाने का तरीका है, हम जैसा बनाते हैं हम तो वैसा बनाते हैं भाई। ये देखिए दोस्तों इसका पानी पूरा ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं अब ये तेल में आ गया है, अब पूरा तेल में अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर मसाला में भूनेंगे,
तरीका बिना मसाला डाले अब ये लाल कर दिए, बिना मसाला डाले। जैसे लग रहा आप लोग मसाले पे है, ये मसाले पे नहीं है, मसाला मेरा साइड में रखा हुआ है। अब इसमें मसाला डालेंगे, ये देखिए दोस्तों अब मसाला हम डाल रहे हैं इसमें। ये इसीलिए मेरा मेरे टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारा तरीका है कि पहले उसका पानी को सूखने दो, फिर तेल में तलो, उसके बाद मसाले में भूंजो। हमारा बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों अभी मटन और चावल दोनों बन चुका है, तो पापा को बोले यहीं नीचे में बैठ के खाने के लिए, तो यहीं पर ला रहे हैं, तो यहीं पर सब खाएंगे। दोस्तों वो खाना बन गया है, अब चले हम लोग खाने के लिए, तो यहीं बाहर में ही खा रहे हैं। अभी यहाँ खुला जगह है, पेड़ भी है, पेड़ के नीचे में है तो अच्छा लगता है पेड़ के नीचे। बस बस बस, ये देखिए आज हमारा जो बना है, ये लहसुन डाल के हम बनाते हैं। हमको ज्यादातर तरी ज्यादा पसंद पड़ता है। नहीं, हम दोस्तों इसका तो नियत देख लिए आप लोग, निकालो निकालो निकालो, इसका नियत तो देख लिए। अब मेरा एकदम एक सवा बराबरी करेगा, जो मिलेगा। अरे हम इसे निकालेंगे, बिल्कुल नीचे गिराना भी है, नीचे खाना खा रहे तो देगा नहीं। चलो लहसुन चाट है, मटन मिल जाए, बढ़िया टाइम रहे, दिन रहे, समय रहे तो बना खाने में अच्छा लगता है। तो ऐसे क्या है, हड़बड़ी वाला में फिर बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोगों को, हम थोड़ा ज़्यादा भूलते भांजते ज़्यादा ही करते हैं, खुशी लेके। वैसे होता है लहसुन पूरा चूस के खाने के लिए। दोस्तों खाना वर्दा हो गया हम लोग का, आधा घंटा रेस्ट भी कर लिए, एक घंटा किए ना, एक घंटे झूठ बात है, एक घंटा रेस्ट किए हैं। ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है ना, क्या कि रायपुर भी पहुंचना है, ज़्यादा सोना सोना क्या है, खाना खा लिया, आधा घंटा रेस्ट कर लिए, 40 मिनट रेस्ट कर लिए, चला। ठीक है दोस्तों निकलते हैं, देख लिए यहाँ हम खड़े थे यही पार्किंग में, चला जाए। लेके बोला देखे लेके नहीं लगेगा हमसे। दोस्तों गैस तो भरा लिए, गैस अपना कम हो गया था, इधर जाते समय भरे थे, तो अभी निकले ही हैं कि देखिए आगे देख रहे जाम लगा हुआ है, अभी जाम में फंसे हुए हैं, क्या चीज़ जाम ही तो पता नहीं अभी, लेकिन अभी जब जाम लाइन बढ़ेगा तब बढ़ेंगे हम लोग भी। तो गैस जो है रेट तो भी अभी एक ही रेट चल रहा है फिक्स, महाराष्ट्र में 120 रुपये के जी, अभी ये काफ़ी दिन चलेगा, टंकी तो लगभग मेरा फुल हो गया है, बस वापसी तक आ जाएंगे हम। अब देखते हैं जाम जो है, अब ये खुल जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी टारगेट तो था कि आज थोड़ा समय से पहुंच जाते रायपुर, तो हिसाब साहब भी करा लेते सेट से तो निकल जाता, लेकिन इस टाइप का जाम भी लग गया है तो उसमें टाइम लगेगा, तो रायपुर पहुंच नहीं पाएंगे, तो हिसाब सेट से मुलाकात नहीं हो सकता, सेट बोलेगा कि अब कल करेंगे, या फिर बोल भी सकता है कि निकल जाओ, जो हिसाब है खाते में डाल दूँगा। देखिए यही लोग है कि हाईवे वाला जो काम करा रहा है तो उसी के लिए गाड़ी रुकवा रहा है, ये लोग का हाईवे का कुछ काम चल रहा है तो उसके लिए होता है ऐसा,
तो ये देखिए झंडा लेके सबको रुकवाता है, लेकिन छोटा गाड़ी लोग कहाँ मानने वाला है, ये तो मानेगा नहीं, ये तो साइड से आएगा ही, इसी में थोड़ा सा जाम और लंबा हो जाता है। अगर ये लोग भी हम लोग के पीछे लाइन में लग जाए तो जाम नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन नहीं मानता है ना। कुछ गाड़ी को जो है यहाँ से घुमाया जा रहा है, देख रहा है जगह नहीं आगे तो वो घुमा ले रहा है। ये चीज़ अगर अपना लाइन में लग जाता हम लोग के पीछे तो ये सब नौबत नहीं आता। दोस्तों वहाँ लगा कोई गाड़ी पलटी हो गया है, अब वो हम लोग तो अपनी तो अभी कैमरा की मदद से देख रहे हैं, काफ़ी दूर तक मेरा रेंज है कैमरा का। अभी देखिए दोस्तों हम लोग भी चले। दोस्तों यही गाड़ी है, इसी कारण अभी जाम लगा था, लगता है छोटा गाड़ी कोई स्पीड में आया होगा, इस तरह पलटी हो गया। वो तो अच्छा था कि यहाँ हाइड्रा वगैरह भी था, साइड हो गया, पूरा पलट गया था गाड़ी यहाँ पे। तो हाईवे वाला का मदद से सीधा भी हो गया, तो यही माल लोड था उसमें, माल भी गिर गया है नीचे। ठीक है दोस्तों जाम तो खुल गया, अब निकलते हैं, चलते हैं देवरी बॉर्डर, फिर अपना छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आएगा, वहाँ भी थोड़ा जाम लगता है, उसको भी देखना पड़ेगा। दोस्तों रात के 12 बज गया है और हम लोग आ गए हैं रायपुर अपने ऑफिस में, तो इतना रात होने के कारण यही हो गया कि धुर्ग बिलाई में बहुत जाम रहता है, तो सिंगल बत्ती भी जो है कि 10 बजे बंद हो जाता है, तो उसी के इंतज़ार कर रहे थे। राजनांदगांव पार करके रुक गए थे, थोड़ा वहीं रोटी वोटी बनाने लगे, सब्जी तो दिन का था ही, रोटी वोटी बनाया, तो 10 बजे जब नॉन्ट्री सिंगल बत्ती जो होता है वो जब बंद हुआ, क्या थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, सिंगल बत्ती में खड़ा रहना पड़ता है, तो उसी का इंतजार कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों यहाँ ऑफिस में आ गए अभी हम लोग, चले खाना वाना खाने, खाना वाना खाते हैं। दोस्तों खाना पीना तो हो गया, अब थोड़ा टहलना था टहल भी लिए, अब जा रहे सोने के लिए, रात तो काफ़ी हो गया है, रोड भी देख रहे पूरा फांका हो गया। तो ठीक है दोस्तों थोड़ा कल सुबह एक टायर का काम है, थोड़ा ओमनी वगैरह लगाना है, टायर पंचर हो गया था वो बनाएंगे और हिसाब से अगर निकल जाएंगे, क्योंकि अपने तो कोई ज़्यादा काम है नहीं। ठीक है दोस्तों तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।